जी हाँ, वेदिका को लेकर आ गई है नई रिपोर्ट। नई रिपोर्ट ये है कि वेदिका सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक के साथ अपनी सुहानी जिंदगी के सपने देख रही थी। दोनों के बीच प्यार होगा, रोमांस होगा, रिश्ते में भरोसा होगा, खुशियां होगी और उनके बीच कोई नहीं होगा। वेदिका ने यही सोचकर ही दादी की बात मानकर शादी का फैसला लिया था। दोनों की शादी जब हुई तब भी वेदिका यही ख्वाब देखती थी कि सुहागरात के वक्त कार्तिक उसे प्यार देगा, लेकिन शादी के बाद सुहागरात की सही घड़ी आई ही नहीं। वेदिका को कार्तिक की पहली पत्नी नायरा का सामने करने का मौका मिल गया। नायरा कार्तिक के बीच लड़ाई चल रही है, लेकिन नायरा के लिए कार्तिक के दिल में प्यार कम नहीं हुआ। ये राज वेदिका के सामने खुल गया है और दोनों का एक बेटा कायरव भी है। ये देखकर वेदिका टूट सी गई है। तो अब वेदिका के पास एक ऑप्शन है कि वो कायरव को अपना ले और कार्तिक को अपनी जिंदगी में खास बनाने का ये मौका कहीं हाथ से ना जाने दे। तो वेदिका कायरव को अपना कर दादी के कहे अनुसार उसे एक माँ का प्यार देगी ताकि नायरा से कायरव दूर हो जाए। कुछ ऐसा सपना वेदिका को लेकर दादी ने भी देखनी शुरू कर दी है, लेकिन वेदिका का ये सपना पूरा नहीं होगा क्योंकि वेदिका डर गई है और वेदिका एक बड़ा कदम उठाएगी जिससे कार्तिक नायरा की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।